सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ईविल ऑफिसर, और ये वाला जो गेम है वो बेसिकली पीसी गेम का फोन वर्जन है। फोन वर्जन नहीं, बस एक कॉपीड बोल सकते हो है, क्या बोलूँ अब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको क्या एक्चुअल में बोला जाए। ये समझ लो कि ये फोन पीसी गेम का फोन वाला रीमेक बोलते हैं ना, पायरेटेड जो भी हो वैसा टाइप का। और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ पहले। ओके, ब्राइटनेस सब ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे बात की बातें, क्लासिक और नाइटमेयर, भाई क्लासिक ही खेलते हैं, मेरे को अभी कोई अंदाजा नहीं कि क्या है। एक है घोस प्रैक्टिस इजी, नॉर्मल खेलते हैं क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है कि गेम बेसिकली कैसे वर्क करता है। बस इतना इसका पता है कि ग्रैनी जैसे ही है। ओके, ऑलमोस्ट ग्रैनी जैसे। डे वन। ओके, मैं हूँ कहाँ? ओके, आई एम इन द प्रिजन भाई। ओके, गलत साइड पे खुल गया। कहाँ है, वेयर इज दैट ऑफिसर भाई, वेयर द हेल इज ही भाई। ऐसा ना हो कि मेरे पीछे स्पॉन हो जाए फिर मेरे को दिक्कत। मेरा हीरो आ गया, मुझको मिलने आ गया। ओके, उधर को जा रहा है, जाने देते हैं। बढ़िया, हम लोग इधर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो उधर जा रहा है। तो ओके, ड्रॉर्स खुल जा भाई। हमेशा की तरह सिगरेट रास्ता ना, ये तो सेल पे ही आ रहा है। अच्छा, ये उसको ना माइंड को घुमाने के लिए होगा, उसके लिए है ना, जैसे मग्रैनी में करते थे। हेलीकॉप्टर, बढ़िया गाइच। ओ क्रैकिंग नॉइस देख लिया। चलने की स्पीड बहुत स्लो है इसका। ओके, मैं अपने शब्द थोड़े वापस ले लूँगा। अपन आगे नीचे, यहाँ क्या है, स्पार्क लगता क्या वो? हाँ तो रहा है वैसे। बाथरूम में आ गए अपन। अच्छा, छुपने के लिए है ये, मैं सोचा था इसके अंदर कुछ होगा, खोलने के लिए होगा। पकड़ लिया लगता है मेरे को। नहीं जी, ये तो डम्ब निकला भाई। ईजी पे खेल रहा हूँ इसलिए इतना ईजी है। शवल, इसका करना क्या है? वो उस साइड को गया तो मैं इस साइड को जाएगा। शवल मिल गया। आउट ऑफ स्टैमिना, कैसा लेम बंदा भाई, दौड़ा भी तो कहाँ है। अबे यार चल ले यार, ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। मैं हमारा ये पता नहीं इसका स्टैमिना इतना डाउन क्यों है भाई। वो ड्रॉर ना खुलता नहीं है, ये खुलता है, खुल जा यार। अबे यार ये ऑटोमेटिक भाई, ये आउट ऑफ स्टैमिना हो गया, मैं भाग नहीं पाऊंगा। उस कॉर्नर पे आ गया तो मैं गंदा फंसूंगा। ओके अच्छा, आई नीड क्या है, आई नीड ए की फॉर बुक शेल्फ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा स्टेमिना का क्या है, मैं बहुत स्लो हो जाता हूँ। ओ स्क्रू ड्राइवर, क्रैकिंग नॉइज हो गया। चलो ओ, इस बार यहाँ चलते हैं, ये क्या देखते हैं। ओए होए संडास, क्या है, क्या ये आइटम। ओए भाई डरा दिया इसने, पीछे ही खड़ा हो गया था, कब आए दिखा भी नहीं। जलवा है हमारा। नहीं अरे भाई, वैसे गेम बहुत इजी है लेकिन भाई डरा दिया इसने, अचानक से पीछे आ गया था भाई। हार्ट अटैक, 5 रुपए वाला। ओके, यहाँ क्रैकिंग नॉइस होती है, पल करते हैं अपन। लास्ट टाइम तो हुआ था क्रैकिंग नॉइस। किधर है, उसको फिर से ऐसे गोल घुमाएंगे अपन। नीचे स्पॉन होगा ना, देख ले मेरे को। नहीं भाई नहीं देखा, चलो यहाँ पर हूँ, ऊपर ही देखता हूँ, किचन ऊपर ना, खाली है किचन। हमेशा की तरह हर हॉरर गेम्स में जैसा होता है, वो ही कुछ है क्या। हाँ पिक्सल फॉर्म है वो उसका,
भाई बुढ़ा तो भारी हरामी था भाई, मेरे को हार्ट अटैक दिला दिया। ये ड्रॉर्स रखे क्यों हैं, जब भी खुलेंगे नहीं तो। और इसका बाथरूम बहुत साफ है अपेक्षा, ग्रैनी की अपेक्षा। क्रैकिंग नॉइस किधर होता है पहले मेरे को जानना है, इधर को होता था ना ये बात। मैं तो छुप गया रे, कैसे आएगा, सेल खोलेगा क्या? ओए खोलता है भाई ये, भागने के टाइम गाइस, नाउ आई एम रनिंग वेरी फास्ट। बंद कर ले भाई। ओके लास्ट टाइम मेरे को शवल कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था ना, पर मैं उसको किया कहाँ है, फिर कहाँ फेंक दिया मुझे नहीं पता। ओके वहाँ, ओए देख लिया मेरे को, देख लिया देख लिया देख लिया। बंद करो बंद करो, मैं छुप जाता हूँ। ये चीज ग्रैनी भी वर्क करता था तो शायद तक इस पे भी करना चाहिए। सस्पेंस भाई, जस्ट बगल पे। ओके वर्क किया ये। क्या गुंडा बनेगा रे तू, इजी मोड पे हूँ इसलिए शायद तक उसने मेरे को फाइंड डिटेक्ट नहीं कर पाया। अबे यार पर गेट को तो अटका दिया भाई। ओके लेट्स गो भाई। ये क्या है, वो ये हटेगा? हाँ ओ मैं कहीं तो आ गया। ओके समवेयर भाई, अच्छा यहाँ से ऐसे खुलेगा तो बढ़िया है ये कुछ। अच्छा हाँ ग्रैनी में भी एक ऐसी जगह था, वो उस साइड जो वेल साइड था, एकदम ग्रैनी बना दिया भाई, बस नाम इविल ऑफिसर कर दिए। लेट्स सी, यहाँ टॉर्चेस लगे हुए हैं। ओके ये क्या है, एक्स ले भाई, अब निपटाऊंगा इसको मैं। ओके सीढ़ियाँ है यहाँ पे, सीढ़ियाँ मिल गए भाई। ये कौन सा जगह है, खुल जा भाई। ओए बिच्छू भाई, बिच्छू पाल के रखा है। अरे बिच्छू नहीं, ये तो हाथी साइज का बिच्छू है भाई। तो मैंने बिच्छू वाला रूम अनलॉक कर दिया था, और शायद तक वो वाला रूम यहाँ पर ऑलरेडी एक बारी मैं जा चुका हूँ। चलो इजी हो रहा है वैसे मामला पानी, वैसे किस साइड से वो आ रहा पहले देख लूँ। अरे हाँ इसका ड्रॉअर भी नहीं चेक किया हूँ, और मेरे को लगता है एक्स वाला अरे यार उसको काटने के लिए होगा लकड़ी को। कितना टाइम लेगा भाई स्पॉन होने में, हर बार स्पॉन रिस्टार्ट होता है क्या? यस सर, इसका स्पॉन थोड़ा रिस्टार्ट जैसा होता है। लास्ट टाइम उस दरवाजों पे जा रहा था लेकिन इस बार इस पे गया है, तो ये तो चले गया। अब हम इसका ड्रॉर चेक करते हैं, देखते हैं क्या है इसके ड्रॉर पे। खाली रखता है भाई, ऐसा ना करो भाई। ओके लास्ट टाइम इधर का था, अब लगता है स्क्रू ड्राइवर यहाँ लगेगा। चलो अपना, और यहाँ शवल लगेगा। समथिंग इनसाइड बोल रहा है, देर इज समथिंग इनसाइड। किसको गड़ा के रखा है भाई, किसका डेड बॉडी है यहाँ पर? वैसे तो मैं यहाँ पर मरा था ना। चलो ओके वो बिच्छू वहीं पर है, धीरे से उठा लिया मैंने अपना एक्स। भाई बिच्छू कम हाथी ज्यादा है। ओए अरे ये ऐसे एक्टिवेट हो जाता है क्या, तो बहुत डेंजरस है यार। मेरे को लगा उसके पीछे, अगर उसके पीछे साइड से रहूंगा तो फिर कुछ करेगा नहीं, लेकिन ना जी, माई थिंकिंग इज रॉन्ग भाई। लेटर एक बार इसका स्पॉनिंग पॉइंट पता चल जाए ना, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने शवल कहाँ ड्रॉप किया। शवल मैंने कहाँ ड्रॉप किया था मुझे याद नहीं आ रहा। ओके आने दो आने दो। ओके बुढ़ाऊ का हमने बना दिया पागल। क्रोबार ये पता है, ये कहाँ लगेगा? क्रैकिंग नॉइस हो गया, भागने का टाइम। क्या आप लोग यहाँ जा सकते हैं? अरे काम करते हैं ना, क्रोबार को यहाँ ड्रॉप करते हैं, उठा ले।
अब वो जब यहाँ पर आएगा तब मैं इसके अंदर चले जाऊँगा। ओके यस माय प्लान इज वर्क भाई, वर्क अच्छा हुआ ऐसे। और मैंने स्क्रू ड्राइवर कहाँ पर देखा था, शायद तक वो बीच वाले कमरों पे देखा था ना। अब ऐसा ना हो कि मैं पीछा करते करते यहाँ से बाहर आए। ओह भाई मेरा बात भाई, उसे अपने घर के बारे में आया, उसे पता है ज़्यादा मेरे से। कितना हरामखोर आदमी था भाई, उसने पूरा घूम के इस साइड पे आया। तो मतलब इसका मतलब मैं ये वाला काम नहीं कर सकती कि ऊपर से जाके इधर से आ जाऊँ, है ना। वो पूरा घूम के फट से इधर आ ही जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड भाई, यहाँ तो पता नहीं क्या है, टॉयलेट जैसा है ये, और इसके साथ एक हैंग करने के लिए रखा होगा। और कैसा घर है भाई, नीचे देख रहे हो पूरा बेसमेंट पे और कब्र खोद के रखा है। ओके अपन ऊपर चलते हैं। आई डोंट नो भाई ये कहाँ। ओके शवल मिल गया, शवल ड्रॉप करके दरवाजे को बंद कर। एक मिनट, दरवाजा नहीं बंद हो रहा, हटा। क्या बंद करूंगा, खुद जा भाई। ये बुक शेल्फ की मिल गया, बढ़िया। और वो इस साइड को आ जाएगा तो मैं अभी स्टेमिना भी फुल है, मैं उस साइड को भाग जाऊंगा। हाँ बढ़िया ही है वैसे, आने दो आने दो आने दो। आउटस्मार्ट कर दे रहा हूँ भाई, इजी मोड पे तो कुछ ऐसा खास है नहीं है। आ रहे के पीछे, ओ आई एम सेफ भाई। भाई अब ये इसकी ये कचर, ये देखो, और ये भी पीछे पड़ गया। भागने के टाइम बस छुप जाओ जैसे तैसे। ये मेरे को समझ में आता स्टैमिना का क्या खेल है, एकदम क्लच था भाई ये। ओके मेरे को सही टाइम पे टैप करना पड़ेगा स्क्रीन पे, इसलिए वो होगा। अब वो किस रास्ते गया मेरे को नो आइडिया, तो चलते हैं अपन। वो जा रहा है, जाने दो जाने दो, बड़े प्यार से लग जा भाई। यही वाले में ना था, खुल जा भाई। कोड मिल गया क्या चीज का पता नहीं, सेफ वेफ है क्या वहां कुछ। कोई तो नहीं आ रहा, चलो इनको भी खोलते हैं, ये भी लॉकर्स है ना, खुलेंगे ना। तो इसमें दो एस्केप्स हैं, ओके वो कहाँ से स्पॉन हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं फिर उसको फंसाऊं। कोड है 1917, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना उस टाइम तक, तो पहला चार छः ऐसे समथिंग में चला था ना, तब तक खत्म हो गया था भाई। ओके मैंने थोड़ा आवाज कर दिया, वो आएगा। ओके आ गया, यहाँ पर भी कुछ आइटम है। वो रिटर्न ना आ जाए बस, दिक्कत मेरे को ये चीज का। ओ भाई ये तो स्कैम होता है भाई मेरे साथ तो। जाने दो जाने दो जाने दो उसे। ओ क्रैकिंग नॉइस आ गया, अरे यार कितना क्रैकिंग नॉइस होगा भाई। हटाओ, यहाँ मेरे को एक्स लगेगा ना। चलो अंधे ने देखा नहीं मैं इधर हूँ।
वो पता है ग्रैनी में ना फ्लोर्स टूटे हुए दिखते थे, ठीक ना, टूटे हुए, लेकिन इसमें पता नहीं दिखते ही नहीं है। अब जैसे कहाँ क्रैकलिंग साउंड होता है वो समझ में नहीं आता। आई थिंक सो एक्स यहाँ पर लगेगा, एक वहाँ पर और एक वहाँ पे, ठीक ना। शवल से तो मेरे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं। यहाँ कुछ एक आइटम ऐसे, ओके बाथरूम में तो कोई तिजोरी विजोरी तो रखेगा नहीं, पर लॉक किधर पे लगता है मेरे को समझ में नहीं आ। चलो चला जाए। ओ मेरे को लग ही रहा था यार कि यहीं पर होगा। फिफ्थ डे द लास्ट डे भाई, देखते हैं अब इसको हम लोग इजी मोड पे, नॉर्मल मोड पे खेल रहा हूँ। इजी है गेम अगर मेरे को हर जगह का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, नॉलेज कि कौन कहाँ पर। बस वो एक लास्ट एक्स वाला मिशन कर लेते हैं अपन। देखिए वो वहाँ पर डोर पे भी एक वो लगा है प्लैंक, और मेरे को आइडिया नहीं कि क्रो बार से खुलता है कि एक्स से लगता है, क्योंकि मेरे को दोनों ही चीज़ें मिला है। ओके कुर्सियाँ तोड़ रहा है, आर पार जा रहा है कुर्सियों के। चले जा भाई, मेरे को नीचे जाके अपना एक्स लेके आना है। बढ़िया, क्या लात मारा भाई मैं कुर्सी को। ओ गलत साइड पे आ गया। अबे इसका स्टैमिना ही खत्म हो जाता है भाई बंदे का, थोड़ा सा चल लेता है। उठा ले भाई, अभी भी स्कॉर्पियन मेरे को यहाँ नहीं मार सकता ना, मैं बस आगे आगे जाऊंगा तभी मार सकता है ना। ये बात फिर मुझे आता कुछ गन वगैरह मिलेगा फिर, कोई जैसे ग्रैनी में हमको स्पाइडर के लिए मीट मिलता था वैसे ही कुछ होगा भाई सिस्टम इसका। ओए ये बंद, अच्छा मैं पीछे साइड पे खड़ा हूँ, मेरे को लगा बंद हो गया वाला दरवाजा। स्क्रू ड्राइवर भी मेरे को मिल ही गया था, मैं चाहता तो यहाँ से कुछ कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूँगा। एक काम करते हैं, हम ड्रॉप करते हैं, आ जा। ये बात बोई, अब अपन ऊपर जा सकते हैं इजी। अरे अटका दिया, अरे अटका दिया यार कुर्सी भाई, क्या कुर्सी था भाई। चल चल चल, घूम 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 घूम, जल्दी घूम। तो क्रैकिंग नॉइज हो जाता है, उसमें बेड के नीचे छुपने वाला कोई सिस्टम नहीं दिया है। वो आ गया इंस्पेक्ट करने, वैसे अभी तक आया नहीं यार, आ तो जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं उठ के जाऊं तो फिर इंस्पेक्ट करने आए फिर मैं फंसूं। आ जा यार, इतना टाइम मत लगा, आ जाओ इंतजार है तुम्हारा। आ गया, ओके मेरे को नहीं देखा है, वही कुछ ज्यादा ही पास आ रहा है। जा जा जा, बढ़िया से जा, तेरे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके अपन आ गए ऊपर, अब उसको क्रैकलिंग नॉइज ना हो जाए। ओके नया रूम अनलॉक भाई, आ जा छोरे बात करूं तेरे से, आ जा। अब बता, अबे यार ये इतना पास क्यों था भाई, अभी अभी तो गन मिला था मेरे को। दिमाग खराब भाई, एड देखने के लिए, पर मैं एड नहीं देखूंगा, नहीं तो देख लूंगा भाई। मेरे को मेरी गन चाहिए यार, अभी अभी मिला था गन, नेट चालू करूँ मैं। यस भाई, एड नॉट अवेलेबल, ले इमोशनल डैमेज। ओ मैं हेलीकॉप्टर पे हूँ, अच्छा मेरे को हेलीकॉप्टर से धक्का देगा जैसे, मेरे को लगा था हैंग करेगा यार। ओके और मैं ये नीचे गिर रहा हूँ, लैग खा रहा है कि ग्लिच खा रहा है। ओ गेम ओवर भाई। सो
सो गाइस यही था हमारा इविल ऑफिसर और मैं ट्राई करूंगा इसको एक बारी एक और बारी एंड करने का। और इसमें दो एंडिंग्स हैं, एक मैंने देखा जो हेलीकॉप्टर जो ऊपर है और जो मेन डोर एंडिंग, और ज़्यादा कुछ ऐसा आइटम नहीं है, बहुत इजी ही है वैसे तो जितना मेरे को तक समझ में आया है, ज़्यादा कुछ उतना लेंदी नहीं जैसे ग्रैनी मेरे को लगा था स्टार्टिंग में खेलने में समझने में टाइम, तो इस वाले में वैसा नहीं है। लेकिन वही बात है कि मेरा लक लास्ट में जब मेरे हाथ में पिस्टल आया मैं सोचा कि हाँ भाई अब मैं गेम को बीट कर लूँगा लास्ट डे पे, पर उसी दिन पे ही उसने मुझे पकड़ लिया। आई डोंट नो कैसे कि शायद तक मैंने जब दरवाज़ा खोला हो तो कुछ नॉइज़ हो गया होगा, कुछ आवाज़ है ना, और मैंने वो लकड़ी काटने के बाद भी तो मैं थोड़ा टाइम रुका भी था लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, पर जो भी है बढ़िया है। और मैं चाहता था भी इसको और एंड करो, और मेनली मेरे को इसमें ऑफिसर नहीं वो बिच्छू बहुत फैसिनेटिंग लगा भाई, तो बिच्छू पता नहीं वो कैसा कैसे है, तब जैसे ग्रैनी में हमारे पास था स्पाइडर और इसमें हमको दिया गया बिच्छू, और ये बिच्छू को कैसे मारूंगा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर शायद ऐसे बुलेट शायद तक ही काम करेगा क्योंकि है ना मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ग्रैनी में क्या होता था हमको एक तो बॉक्स पे शूट करना रहता था जिसपे जो कि स्पाइडर बंद हो जाता था, या फिर हमको पर्टिकुलर टाइम पे क्या बोलते हैं स्पाइडर को शूट करना रहता था ठीक ना गोली से, उन वहाँ पे तो शॉटगन रहती है तो पिस्टल दिया गया है, मेरे को नहीं पता कैसे है, पर जो भी है बढ़िया है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। और हाँ मैंने ऑलरेडी एक गेम की पूरी सीरीज अभी कंप्लीट की है जिसका नाम है बेबी इन येलो, वो भी एक हॉरर वाली गेम है लेकिन थोड़ा अभी उसमें काम चल रहा है उसके डेवलपर का, शायद तक इस साल के दिसंबर तक उसमें भी कुछ नया अपडेट आ जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।